इस चुनाव में आप प्रतापगढ़ के जो हमारे विधायक है रामलाल मीणा जो कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार कर रही है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है जब आप लोगों के बीच जा रही है तो लोग क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा है, हम हर घर हर गाली गाली हर जन को मिल रहे हैं, तो हर पब्लिक का कहना है कि विकास को देखते हुए रामनाथ जी को वोट देंगे। आप बता रहे हैं विकास को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हम रामलाल जी को वोट देंगे, एक मातृशक्ति का बड़ा योगदान होता है किसी भी काम में, जैसे अभी ये विधानसभा चुनाव भी है तो इसमें महिलाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, महिलाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी कुछ सुविधाएं दी, जिस तरह से यहाँ पर गैस की योजना आई है, जिस तरह तमाम योजनाएं चल रही है, तो महिलाओं को जो राहत दी गई है, गृहिणी का जो बजट जो कि मतलब काफी ज्यादा था उसको कम किया गया, उसके चलते आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए राहत दी है? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए गारंटी कार्ड भी चालू किया, हर सालाना 10,000 रुपए दिए जाते हैं, महिलाओं के लिए कॉलेज खोले गए हैं, कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं, ऐसे कई काम करने महिलाओं के लिए योजना देते हैं। बता रहा है कि महिलाओं के लिए काफी कुछ किया गया है और युवाओं के लिए काफी कुछ किया गया है। अब प्रतापगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सड़कों का जैसा कि बताया जा रहा है कि विधायक साहब द्वारा की सड़कों का जाल बिछाया गया है, तो जब आप लोगों के पास पहुँच रही है और जब लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पब्लिक का क्या मत निकल के आ रहा है, लोग आपसे और क्या आशा कर रहे हैं, मान लो सरकार आपकी बनती है यहाँ पर दूसरी बार भी लोग उनमें विधायक साहब में समर्थन जताते हैं, तो उस स्थिति में और लोगों के लिए क्या किया जाएगा? कांग्रेस विधानसभा में चाहे तो हम प्रतापगढ़ में जो भी समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, कनेक्शन के पाइपलाइन नहीं मिले हैं, तो वहाँ का हम हर घर पानी पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसे कई काम है जो हम प्रतापगढ़ में और ऊंचाई को ले जाने का काम करेंगे। लोग आपके समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, आप यहाँ पर जब क्षेत्र में प्रचार कर रही है, अब जो प्रतापगढ़ विधानसभा का चुनाव आगामी 25 नवंबर को है, महिलाओं के लिए और खासकर प्रतापगढ़ जिले की जनता के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? हमने 5 साल में प्रतापगढ़ में खूब विकास किए हैं, तो पूरी प्रतापगढ़ जनता को कहना चाहूंगी कि हर जन कांग्रेस पार्टी को वोट करे ताकि हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और प्रतापगढ़ विधायक रामलाल जी बने और 25 आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।